ना कट गई है बड़ी हवेली वालिया दी, ना कट गई है बाबा साईं। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, सब हंस रहे हैं जोक सियाल में। शर्म आ रही है मुझे अपने पर और अपने शराम खोटाले पर जो हमने हवेली में पाल रखा है। ठंडे हो जाओ नीरल, यही मसलियत का तकाजा है। वो कैसी मसलियत, कैसी मजबूरी? नीरी पुस्तली है ये, वो पुलिस वाला हमारी आंखों के सामने मुख्तारे को हथकड़ियां डाल कर ले गया और हम लोग खड़े तमाशा ही बने रहे। कसम है आपकी इस कत्ती की, अगर आपने मुझे नहीं रोका होता ना तो आज सारे पुलिस वालों को मिट्टी में दफन कर देता। बात की नजाकत को समझने की कोशिश करो। होम मिनिस्टर का बेटा सब कुछ देख रहा था, उसने यहां से इलेक्शन लड़के यहां का एमएनए बनना है। बाहर से पढ़कर आया, नई सोच नई दुनिया का लड़का है। हमें उसके सामने बहुत एहतियात के साथ चलना है। उसे हरगिज शक नहीं होना चाहिए कि हमारी हवेली का कोई भी मुलाजिम किसी गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस है। और वो एएसपी उसका क्या करें? उसको ऐसे ही खुला छोड़ दे हम लोग ताकि वो दंगनाता फिरे और हमारी इज्जत पर हाथ उड़ाता फिरे? ऐसा मैंने कब कहा है? जरा मेहमानों को वापस जा लेने दो, फिर उस पुलिस वाले का भी इंतजाम करते हैं। तब तक तुम किसी तरह से मुख्तारे को यह पैगाम पहुंचा दो कि वो अपनी जबान बंद रखे।